गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आज की क्लास में आज डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हम आइडियल सॉल्यूशन को समझाने जा रहे हैं। द सॉल्यूशन विच ओबेज रॉल्स लॉ एट द ऑल द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्ट और सॉल्वेंट के सभी कॉन्सेंट्रेशन पर जो सॉल्यूशन राउल्ट के नियम का फॉलो करता है उसे आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं, और जो नहीं करता है फॉलो उसे नॉन आइडियल कहते हैं। तो ये सिचुएशन आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कैसे उत्पन्न हुई, या कैसे कोई सॉल्यूशन आइडियल होता है और कैसे नॉन आइडियल होता है, इस बात को बहुत गहराई से ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से समझाने जा रहे हैं। जरा ध्यान दिया जाए, एक सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है, और इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के रूप में कंपोनेंट ए को लिया गया है और सॉल्वेंट के रूप में कंपोनेंट बी को। दोनों वेपरेबल है, दोनों वेपर फेज में जाता है, तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्शियल वेपर प्रेशर पर डिपेंड करेगा, ऐसा आप जानते हैं। ये आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ने से पहले ही वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड में ही पढ़े थे, तो यहां पर वेपर प्रेशर से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है आइडियल और नॉन आइडियल का। यहां इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट के रूप में ए है और सॉल्वेंट के रूप में बी है। जब कभी ऐसा होता है कि सॉल्यूट ए सॉल्यूट ए सॉल्वेंट बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही होता है जितना कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच। हमारा कहने का मतलब है कि जब सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिससिमिलर मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होता है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो वहां आइडियल सॉल्यूशन बनता है। और होता क्या है वहां, ये आप अभी जानेंगे। फिलहाल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का सिचुएशन भी जान लीजिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट यानी कि डिससिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिससिमिलर मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल नहीं होता है। इक्वल नहीं होने के कारण ये राउल्ट्स के नियम को फॉलो नहीं करता है। और ऐसा क्या कारण है कि यहां इक्वल होने से ये राउल्ट्स के नियम को फॉलो करता है और ये फॉलो नहीं करता है, तो इस बात को आप गहराई से अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जब सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिससिमिलर मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होता है, यानी कि जिस कैपेसिटी से ए और ए एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है उसी कैपेसिटी से अगर बी और बी भी और ए और बी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करें तो उस केस में क्या होता है, जरा देखा जाए। ये अट्रैक्शन है सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का ये भी अट्रैक्शन है सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का, और ये भी अट्रैक्शन है सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का, लेकिन ये डिससिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
ये डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये डिसिमिलर मॉलिक्यूल का। और यहां देखने और समझने लायक बात है कि सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां पर सभी जो लाइन खींचा गया है वो इक्वल लाइन खींचा गया है, ये इस बात का प्रूफ है कि सभी इक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बने हैं। तो कहने का मतलब है कि उतना ही मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाता है जितना राउल्स द्वारा प्रेडिकेटेड है, राउल्स द्वारा निर्धारित है, जितना वेपर प्रेशर का वैल्यू उतना ही आता है। लेकिन कभी ऐसा हो कि सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक हो, जैसे यहां पर गोल्ड लाइन हम दिखा रहे हैं इस सभी के बीच, इसका मतलब इसके बीच का अट्रैक्शन अधिक है। लेकिन डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, तो डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम होगा तो ए केवल ए से मतलब रखेगा और बी केवल बी से, तो यहां कोई मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, मॉलिक्यूल का संगठन एसोसिएशन नहीं तैयार होगा, और नहीं तैयार होने के कारण ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाना प्रारंभ कर देंगे। और जब ऐसा होगा कि ज्यादा मॉलिक्यूल वेपराइज होंगे तो वेपर प्रेशर का मान राउल्स द्वारा निर्धारित मान से अधिक हो जाएगा। और एक सिचुएशन और है, जरा ध्यान से समझा जाए, जब कभी ऐसा हो कि दो सिमिलर मॉलिक्यूल, के बीच का ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो और डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक हो, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है कि सभी मॉलिक्यूल आपस में बंध जाते हैं, जिसके कारण एक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस को छोड़ने में असमर्थ होता है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दिया जाए, जब इसको फिर से क्लियर यहां समझिए, जब डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक हो जाए, जैसे सिमिलर मॉलिक्यूल का ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये भी सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ये डिसिमिलर। तो क्या होगा कि सभी मॉलिक्यूल आपस में बंध जाएंगे, और बंध जाने के कारण बहुत ही कम जो है मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस को छोड़ेगा, बहुत कम मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस को छोड़ेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन तैयार हो गया है। तो बहुत कम मॉलिक्यूल जब लिक्विड के सरफेस को छोड़ेगा तो उस केस में कम वेपर फेज में मॉलिक्यूल जाएंगे, और कम जाएंगे तो वेपर प्रेशर का मान रॉल्स द्वारा निर्धारित मान से कम हो जाएगा। तो हम क्या समझा रहे हैं, एक बार पूरा कॉन्सेप्ट फ्रेश कर लीजिए, कि जब सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिसिमिलर मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होता है तो उतने ही मॉलिक्यूल वेपराइज होते हैं जितना रॉल्स द्वारा निर्धारित मान से प्राप्त होता है, मतलब रॉल्स द्वारा निर्धारित मान से जो वेपर प्रेशर का मान प्राप्त होता है उतना ही वेपर प्रेशर ओरिजिनेट होता है। लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही अधिक हो जाता है डिसिमिलर मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, यहां देख सकते हैं कि सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है
और डिसिमिलर का कम। तो डिसिमिलर के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डॉट 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 से दिखाए हैं, तो उस केस में क्या होगा कि ए केवल ए से बी केवल बी से मतलब रखेगा, कोई मॉलिक्यूलर एसोसिएशन तैयार नहीं होगा, और ज्यादा से ज्यादा ए और बी के मॉलिक्यूल वेपर पेज में जाए और वेपर प्रेशर का मान जाएगा अधिक। और जब कभी ऐसा हो कि डिसिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक और सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, तो उस केस में मॉलिक्यूलर एसोसिएशन होता है और कम मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस को छोड़ता है, और जब कम मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस को छोड़ता है तो निश्चित तौर पर वेपर प्रेशर का मान घट गया। इस सिचुएशन में होता है कि सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और डिसिमिलर मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक हो जाता है। तो ये कब से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर ही ये सारा कॉन्सेप्ट हम आपको समझा रहे हैं, और आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है कि जब दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल हो सिमिलर और डिसिमिलर के बीच तो आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, और जब अनइक्वल हो तो नॉन आइडियल बनाएगा। तो अनइक्वल होता है तो दो संभावनाएं उत्पन्न होती है, या तो सिमिलर मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक हो जाएगा डिसिमिलर से, या डिसिमिलर का अधिक हो जाएगा सिमिलर से। तो जब डिसिमिलर मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और सिमिलर का अधिक होगा तो वहां अधिक वेपर प्रेशर बनेगा, और जहां सिमिलर मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम और डिसिमिलर का अधिक तो वहां वेपर प्रेशर हो जाएगा कम। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो प्रकार के होते हैं, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, और एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो ये है पॉजिटिव डेविएशन वाला, ज्यादा वेपर प्रेशर बनाने वाला, और ये है नेगेटिव डेविएशन दिखाने वाला, नेगेटिव डेविएशन दिखाता है ये। तो ये रॉड्स के लॉ से नेगेटिव डेविएशन दिखाता है, और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव इस सेंस में या वेपर प्रेशर अधिक बनता है या वेपर प्रेशर कम बनता है। तो अब आप शुरू से आइडियल सॉल्यूशन समझ सकते हैं, सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच ओबे रॉड्स लॉ एट द ऑल द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। इन आइडियल सॉल्यूशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स is equal to force of attraction between dissimilar molecules. In ideal solution, liquid pairs have, यहाँ एक ट्रिक हमने दिया है, जरा ध्यान दें। कैसे हम जानेंगे कि ये लिक्विड मतलब ये लिक्विड पेयर्स आइडियल सोल्यूशन बनाएगा ये नॉन आइडियल बनाएगा? तो सिंपल सा ट्रिक है कि दो लिक्विड पेयर जिसका स्ट्रक्चर सेम हो, जिसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, जिसका पोलरिटी सेम हो, उसको मिक्सअप करने से वो हमेशा आइडियल सोल्यूशन बनाएगा। जैसे नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल हेप्टेन एक साथ हल्केन में आता है, सेम स्ट्रक्चर वाला होगा, सेम प्रॉपर्टी वाला होगा। बेंजीन टॉलुइन सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम ग्रुप से है। मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल, तो ये दोनों को मिक्सअप करेंगे तो आपका क्या बनेगा? आइडियल। और जहां क्लोरोफॉर्म एस्टोन, दोनों दो चीज दो फंक्शनल ग्रुप, तो निश्चित तौर पर नो डाउट वो नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। तो ये कहने का मतलब है कि जहां दो लिक्विड पेयर्स की स्ट्रक्चर केमिकल प्रॉपर्टी पोलरिटी सेम होगी वो आइडियल बनाए, आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन का। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? इन आइडियल सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर प्रेडिकेटेड बाय रॉल्स लॉ। मतलब ये है कि किसी भी कंपोनेंट का, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, सॉल्यूट एक होता है सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर रॉड्स द्वारा जो लाया गया था वही यहां भी आएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम कंपोनेंट ए के लिए बात करें, कंपोनेंट ए के लिए यहां दैट इज पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए हो जाएगा। और आप जानते भी हैं कि अकॉर्डिंग रॉड्स लॉ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो यहां पी ए इक्वल पी नॉट ए एंड पी नॉट बी इक्वल सॉरी पी बी इक्वल पी नॉट बी एक्स बी। और अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? तो सेकेंड प्रॉपर्टी है इन आइडियल सॉल्यूशन द टोटल वेपर प्रेशर
द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू टोटल वेपर प्रेशर प्रेडिकेटेड बाय रॉल्स लॉ। That is क्या हो जाएगा PS is equal to PA plus PB। और आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि PA equal क्या होता है, PA equal क्या होता है, क्या जानते हैं आप, P not A XA। और PB equal क्या होता है, P not B XB। और अब थर्ड प्रॉपर्टी है इन आइडियल सॉल्यूशन द चेंज इन द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इन जीरो, दैट इज डेल्टा वी इक्वल जीरो और वी वन इक्वल वी टू इक्वल वी। फोर्थ इन आइडियल सॉल्यूशन the value of the value of change in enthalpy is zero, that is delta H equals zero। Some important examples of ideal solution। First example, a solution of बेंजीन एंड टॉलिन। सेकेंड ए सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। और थर्ड a solution of normal hexane and normal heptane। और अब
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक से ध्यान से इस ग्राफ को आप समझेंगे। अब एक लॉ पढ़े हैं रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ के अनुसार अगर हम आपसे पूछे कि बताइए रॉल्स लॉ के अनुसार अगर हम ग्राफ वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच अगर खींचे, तो पहले तो ग्राफ के बारे में थोड़ा जान लीजिए। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच आप ग्राफ खींचने जा रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन का स्टडी आप बाइनरी सॉल्यूशन में जब करेंगे तो वहां सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम वन होता है। तो यहां मैक्सिमम वैल्यू मोल फ्रैक्शन का वन होगा, तो ये ओरिजिन है तो यहां पर वैल्यू क्या होगा, जीरो, और इसका मैक्सिमम वैल्यू अधिक से अधिक कितना जा सकता है, वन। और आप ग्राफ अभी सॉल्यूट के लिए खींचने जा रहे हैं और आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये ग्राफ एक सरल रेखा होगा और यहां पर आप समझ सकते हैं कि अगर सॉल्वेंट के लिए अगर ये ग्राफ खींचा जाए तो सॉल्वेंट के लिए ये ग्राफ अगर खींचा जाए तो ये क्या हो जाएगा, यहां एक्स भी इक्वल जीरो और यहां एक्स भी इक्वल वन। और ये वेपर प्रेशर का एक्सिस है, तो ये सॉल्वेंट का ग्राफ है और ये सॉल्वेंट का ग्राफ है। इस दोनों ग्राफ को एक ही ग्राफ पेपर पर हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमको सॉल्यूशन के ग्राफ का स्टडी करना है और सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होता है। तो ये समझते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सॉल्यूट के लिए ग्राफ। केवल सॉल्यूट का अभी आप समझेंगे और सॉल्यूट के हिसाब से सोचेंगे कि सॉल्यूट का आप ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ये ग्राफ का एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो आपको पता है कि जब अलग कंटेनर में सॉल्यूट को लेते हैं तो केवल सॉल्यूट का मॉलिक्यूल वेपराइज होता है, उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है पी नॉट ए, और अगर सॉल्वेंट को लिया जाए तो पी नॉट बी। तो यहां जो मैक्सिमम वैल्यू टच करेगा सॉल्यूट का वो पी नॉट ए होगा, और ये पी ए को रिप्रेजेंट पी ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, और ये मोल फ्रैक्शन का एक्सिस है और ये वेपर प्रेशर का एक्सिस है। तो ये ग्राफ सॉल्यूट के लिए था। अब हम सॉल्वेंट के लिए ग्राफ खींचना चाहते हैं, तो हमारा ओरिजिन अब इधर से होगा, मतलब हम पलट कर ग्राफ बना रहे हैं इधर, तो यहां से इधर की ओर। और आपको पता है कि सॉल्वेंट अधिक होता है, उसके कंपोनेंट अधिक होते हैं, तो इसका थोड़ा अधिक वैल्यू होगा पी नॉट बी का। तो ये है सॉल्यूट के लिए और ये हो गया सॉल्वेंट के लिए। और अगर इस दोनों के पिक पॉइंट को मिला दिया जाए तो ये हो जाएगा आपके सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन को शो किया जा रहा है। तो ये था आपका आज का क्लास। उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लास समझ में आया होगा। जैसे जैसे चैप्टर एंड करेगा आप इस पूरे सिटी या अदर वीडियो लेक्चर से आप इस क्लास के वीडियो लेक्चर को जरा सा देखें, कॉम्प्रिजन करें कि जितना गहराई से हर एक चीज को। ऐसा नहीं है कि कोई वीडियो लेक्चर खराब होता है, लेकिन यहां हर एक बात को बारीकी से समझते हुए डिस्कस किया जा रहा है आप लोग के सामने। कि अगर आप लगातार हमारे वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं और फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव बुक को फॉलो करेंगे तो आपको लगेगा कि हर एक टॉपिक को मैंने इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया। और यह तब संभव है जब आप एक सीक्वेंस में लगातार पढ़ेंगे। हाँ,
आप लोग में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो जहां से भी वीडियो लेक्चर उठाकर देखना शुरू कर देते हैं, तो ये आपके पास कैपेसिटी नहीं है कि आप कहीं से भी वीडियो लेक्चर उठाकर देखना शुरू कर दे और आपको समझ में आ जाए। जिस तरह से बुक में कोई भी पेज खोलकर आप पढ़ नहीं सकते हैं, आपको चैप्टर के स्टार्टिंग से पढ़ना होता है, तो आप इस बात को समझिए तो देखिए कितना पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है। आपको वीडियो लेक्चर देखने में क्यों नहीं मन लग रहा है कभी आप सोचे? इसका मेन कारण है, मेन रीजन है कि आप बीच बीच से पढ़ रहे हैं। आप छोड़िए, किसी फिल्म को देखने जाते हैं, आपको पूरा मजा उस फिल्म का देखने में तब आता है जब आप शुरू से देखते हैं। बीच से देखने पर आपके माइंड में बना रहता है कि नहीं कुछ पार्ट मिसिंग है, समझ में आएगा नहीं आएगा, तो वही पढ़ाई के साथ है। तो हमको बार बार ये सब चीज क्यों बताना पड़ रहा है? क्योंकि आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं और हमको हर एक चीज पता चल जाता है। आपको बता दें कि इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से ये पूरा शहर आपके इस क्लास को जान चुका।